हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वोकैब प्लस में, जहां हम हर बार सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया शब्द। आज हमने चुना है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था नवंबर ऑफ 9th को, और ये आर्टिकल रिलेटेड है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पाए जाने वाले विलुप्त जानवर ब्लैक बक के बारे में, और इसी में छुपा है आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। तो आइए चले देखते हैं सबसे पहले इसकी प्रोनंसिएशन। कार्कस, कॉकस, कार्कस, कॉकस, कार्कस। ओके, तो चलिए चलते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की और देखते हैं इसका मीनिंग। तो यहाँ लिखा है कार्कस एज अ नाउन यूज होता है, और इसका मीनिंग है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, स्पेशली ऑफ अ लार्ज वन और ऑफ वन दैट इज रेडी फॉर कटिंग अप एज मीट। यानी कि किसी जानवर का मृत शरीर को कार्कस बोलते हैं, और ज्यादातर उस जीव के मृत शरीर के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बहुत बड़ा है या फिर जिसे मीट के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आइए चले देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में इस शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ था। द कार्कस ऑफ अ ब्लैक बक वॉज फाउंड ऑन फ्राइडे इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो ब्लैक बक यानी कि काले हिरण का जो मृत शरीर है वो फ्राइडे को गंजम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। बाकी का आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्कस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज लाइक करें ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल जहाँ हर बार सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया शब्द। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस अमिगोस।